गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। इसके पहले हमने संज्ञा पढ़ा था, तो क्या है सर्वनाम? आज हम जानेंगे जिन संज्ञा शब्दों के स्थान पर। अब संज्ञा शब्द क्या है, यानी कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम का बोध कराए वो संज्ञा कहलाता है। पर जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो, यानी कि वहां एग्जैक्ट नाम ना प्रयोग हो, राम, श्याम, मोहन, गीता, नीता इत्यादि, ये सब नहीं, मैं, तुम, वे, हम इत्यादि, तो वो आपका सर्वनाम कहलाता है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के मुख्य छह भेद होते हैं। इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। छह भेद होता है, कौन कौन से एक एक करके हम जानेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको तीन भागों में बांटा गया है। दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठवां है निजवाचक। अब यहां से देखते हैं, सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसी पुरुष के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। अब इसे मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें कौन कौन समाहित है। तो पहला है उत्तम पुरुष। कौन? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में बोलने वाला या वक्ता, वक्ता कौन? अब जैसे कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाती या मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं कौन? वक्ता, बोलने वाली। तो मैं, मेरा, सब उत्तम पुरुष में आते हैं। फिर आपका मध्यम पुरुष। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, मैं बोलने वाली, वक्ता और सुनने वाला कौन? तुम, श्रोता। तो जहां पर श्रोता के लिए या सामने वाले के लिए प्रयोग किया जाए वो मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे कि तुम, तुम्हारा, तुम अपना काम कर लो, तुम्हारी कक्षा 4 बजे से होगी इत्यादि। उसके बाद खड़ा है,
दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है, कोई शायद कोई भी हो सकता है, मेहमान भी हो सकते हैं या भिखारी भी हो सकता है। कुछ हमें दान में कुछ दे देना चाहिए, कुछ, लेकिन क्या उसकी क्वांटिटी हमको नहीं पता है कि क्लियर हमें देना क्या है। उसके बाद किसी इस उत्तर का किसी को संदेह है या किसी को डाउट है, तो किसी को किसको, कोई एक व्यक्ति या सब व्यक्ति। तो जहां पर सर्वनाम शब्द का व्यक्ति वस्तु या स्थान किसी भी चीज से उसे पूर्ण रूप से उत्तर प्राप्त ना हो, कुछ ना कुछ संदेह हो, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अभी हम यहां पर देखें सर्वनाम जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे तीन है, देखें उत्तम, मध्यम, अन्य, उत्तम बोलने वाले के लिए, मध्यम सुनने वाले के लिए, और अन्य जो होता है वो किसी अन्य के लिए या तीसरे व्यक्ति के लिए होता है। फिर हमने देखा निश्चय और फिर उसके बाद हमने देखा अनिश्चय। अब इसके आगे के भेद को हम जानेंगे। तो देखिए अभी इसके पहले आपने जो तीन पढ़ लिया था है ना, उत्तम जिसे पुरुषवाचक में उत्तम, मध्यम, अन्य, और फिर उसके बाद हमने देख लिया था दूसरा नंबर निश्चयवाचक और तीसरा अनिश्चयवाचक। अब जो चौथा है, चौथा हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी वे सर्वनाम शब्द जिससे प्रश्नों का स्वरूप बने वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि कौन, क्या, कितना, किधर, किसका, इत्यादि। अब देखिए अनिश्चय कई बार होता है कि आप अनिश्चय और प्रश्नवाचक में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, तो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि अनिश्चय वाचक में हमें पता रहता है, थोड़ा उत्तर का पता रहता है संदेह, लेकिन संदेह रहता है। निश्चय में तो एकदम पता है, अनिश्चय में पता है लेकिन हमें संदेह रहता है, उसके साथ हमें पता है। जबकि प्रश्नवाचक में तो पूर्ण रूप से हमें पता नहीं रहता, वो प्रश्न रख दिया आपने है ना। अब अनिश्चयवाचक का एक उदाहरण था दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब इसी को प्रश्नवाचक में कहा जाए दरवाजे पर कौन खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो आपको इतना तो पता चल रहा है कि कोई खड़ा है लेकिन एग्जिट हमें पता नहीं है, संदेह है, डाउट है, लेकिन कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है एकदम हमें पता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर दूध में क्या दे गया, तुम्हें कितना समय लगेगा, तुम किधर जा रहे हो, तो जहां पे प्रश्न और साथ में इसके प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। जबकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल प्रश्नवाचक में ही इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने देखा निजवाचक, संबंधवाचक। संबंधवाचक में हमने क्या देखा कि एक शब्द से दूसरे शब्द का जो संबंध दिखाए उस वाक्य का निर्धारण करता है वो वे सर्वनाम शब्द, जैसे कि जो वो, जो बोए जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो देखिए वो एक जो
के सर्वनाम वो संबंध वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर उसके बाद आया निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी कि जिन सर्वनाम शब्द से स्वयं आप खुद अपने आप यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों के माध्यम से हमें अपने कार्य का पता चले या स्वयं का पता चले वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्यों? क्योंकि निज मतलब होता है स्वयं, खुद का, आप, अपने आप। अब यहां पे जैसे कि देखिए स्वयं, मैं अपना काम स्वयं करती हूं, आप कार्य आप खुद कर लो, खुद से, उसे छोड़ दो, बच्चा खुद ही चलेगा, अपने आप, अपने आप, आप स्वयं खुद निज, मैं सारा कार्य स्वयं ही करूंगी, रसोइया खुद से खाना पका लेगा, बच्चा अपने आप चलने की कोशिश करेगा। तो यहां पर हमने देखा जो निज है यानी कि स्वयं के कार्य को दिखाता है वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो हमने एक बार इसको रिवाइज करेंगे। हमने आज सर्वनाम पढ़ा, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। ये मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहले हमने पढ़ा उत्तम पुरुषवाचक जिसमें कि वक्ता, श्रोता और तीसरा कोई जिसके बारे में बताया जाता है। तो वक्ता उत्तम पुरुष जिसमें मैं मेरा, मध्यम श्रोता जिसमें तुम तुम्हारा और अन्य कोई तीसरा जिसमें वे, उन्होंने, वह इत्यादि। उसके बाद हमने देखा निश्चयवाचक जिसमें सभी प्रकार की निश्चितता पाई जाए जैसे कि यह, वह, वे इत्यादि। अनिश्चयवाचक जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह रह जाए किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए, वहां पे अनिश्चयवाचक होता है जैसे कोई, कुछ, किसी को। उसके बाद हमने देखा संबंध सॉरी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जो है जिसमें प्रश्न सूचक चिन्ह बने, सीधे प्रश्नों का ही वाक्य सामने आए, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें कितना समय लगेगा, दरवाजे पर कौन है, कौन आया, कहाँ गया इत्यादि। फिर हमने देखा संबंधवाचक यानी वे वाक्य जो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और वे सर्वनाम शब्द तो उनका संबंध बताते हैं जैसे कि जैसा, वैसा, जो, वो, जिसकी, उसकी इत्यादि। फिर उसके बाद हमने देखा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जिसमें ये कार्य स्वयं के लिए होता है, उसमें खुद, स्वयं, अपने आप इत्यादि। तो इन सभी का प्रयोग किया जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे एकदम पूछेंगे कि मैम ये क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू।